हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आज हम फिल्म इंडस्ट्री के एक शख्स की आत्महत्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मराठी सिनेमा के फेमस आर्ट डायरेक्टर राजू सप्ते ने आत्महत्या कर दी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है, लेकिन उससे भी बड़ी न्यूज ये है कि उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें उनकी आत्महत्या का कारण बताया। उन्होंने ये कहा कि उनकी आत्महत्या के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है राकेश मौर्य। अब राकेश मौर्य कौन है? उस लेबर यूनियन के ट्रेजरर जो आर्ट डायरेक्टर्स के साथ डीलिंग करते हैं। उन्होंने राकेश मौर्य को इसलिए ब्लेम किया है क्योंकि उनका कहना है कि राकेश मौर्य ने उनके काम में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए और यहां तक कि इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर डाले कि उनके हाथ से काम भी जाने लगा। ऐसा नहीं कि उनके पास काम नहीं था। राजू सप्ते वाज वन ऑफ द लीडिंग आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ मराठी सिनेमा। उनके पास फिल्मों के अलावा टेलीविजन शोज भी बहुत सारे थे, जी के ही कुछ 4-5 शोज थे। लेकिन उसी वीडियो में उन्होंने ये कहा कि एक शो तो उनके हाथ से इसलिए निकल गया क्योंकि राकेश मौर्य ने उनके साथ यानी राजू सप्ते के साथ जो लेबरर्स काम करते थे उन्हें बुलाकर उनसे जबरन स्टेटमेंट्स लिए कि राजू सप्ते ने उनके ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं, जबकि राजू सप्ते का कहना है कि उन्होंने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए थे और उनके कोई भी ड्यूज नहीं थे। जो भी राजू सप्ते को जानते हैं वो उन्हें एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन और बहुत अच्छे इंसान की तरह जानते हैं। उनका भी ये कहना है कि राजू सप्ते किसी के पैसे खा नहीं सकते हैं। वो इस प्रकार के आर्ट डायरेक्टर थे कि ड्यू होने से पहले ही ड्यूज क्लियर कर देते थे, इसलिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि राजू सप्ते ने अपने लेबरर्स के पैसे खाए हो या क्लियर नहीं किए हो। और क्योंकि उनके वीडियो के हिसाब से राकेश मौर्य ने एसोसिएशन में लेबरर्स के स्टेटमेंट्स डालकर ये कंप्लेंट किया राजू सप्ते के खिलाफ, इसलिए राजू सप्ते के हाथ से काम जाने लगा। तंग आकर राजू सप्ते ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और ये कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं और अगर मेरी आत्महत्या के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो है राकेश मौर्य। यानी उनके वीडियो में ये साफ कह दिया है उन्होंने कि अगर उनको न्याय दिलाना है तो राकेश मौर्य को दोषी ठहराना पड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना पड़ेगा। राजू सप्ते ने अपने मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या नहीं की, वो अपनी फैमिली से दूर चले गए, अपने भोर वाले घर में, भोर जो पुणे के पास है, वहां जाकर उन्होंने आत्महत्या की। अब ये आत्महत्या से कई सवाल खड़े उठते हैं। एक तो एक एसोसिएशन के ट्रेजरर के पास कितने पार होते हैं कि एक आर्ट डायरेक्टर से काम छीना जा सकता है। सेकेंडली, एसोसिएशन खुद कितने पावरफुल होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि इन द लास्ट 8 or 10 years हमने तो ये सुना था कि associations का बोलबाला बहुत कम हो गया है और अब associations की वैल्यू कम होती जा रही है। हो सकता है प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये associations की वैल्यू कम हो रही है, उनका पार कम हो रहा है, और हो सकता है टेक्नीशियंस के associations अभी भी बहुत पावरफुल है, जैसे कि राजू सप्ते ने अपने वीडियो में, अपने अंतिम वीडियो में बताया। माइंड यू, राजू सप्ते वॉज वन ऑफ द लीडिंग आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ मराठी सिनेमा। अब एक लीडिंग आर्ट डायरेक्टर के साथ एक एसोसिएशन के ट्रेजरर ऐसी हरकत कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं लेसर आर्ट डायरेक्टर्स के साथ क्या क्या होता होगा। ऑफ कोर्स, इस इंडस्ट्री की एसोसिएशन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है एंड एसोसिएशन की पॉलिटिक्स इज नॉट एज क्लीन एज वन वुड लाइक इट टू बी। बट इसका पुलिस केस तो हो ही गया है, अब पुलिस की जांच होगी एंड पॉलिटिकल आउटफिट्स भी इसमें कूद गए हैं, तो पॉलिटिकल आउटफिट्स अपने अपने इंटरप्रिटेशंस देंगे, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अपने नतीजे पर पहुंचेगी। इन द मीन टाइम राकेश मौर्य इज डेफिनेटली इन सीरियस ट्रबल क्योंकि राजू सप्ते ने अपने आखिरी सुइसाइड वीडियो में उनका नाम एब्सोल्यूट क्लियर टर्म्स में लिया है। वेरी सैड इंडीड। अगर राजू सप्ते ने ये एक्सट्रीम स्टेप ना लिया होता और किसी को बीच में डालकर बात को सेटल करने की कोशिश करते तो डेफिनेटली बात बन जाती और एक लाइफ, एक बहुत ही टैलेंटेड लाइफ खत्म नहीं होती। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये दुख वाली खबर का वीडियो?
कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स आकर जरूर पोस्ट कीजिएगा।